फ्रेंड्स फॉर कॉज ऑर्गेनाइजेशन वालों जॉय ऑफ गिविंग फंडरेजर का आयोजन 22 सितंबर को किया जा रहा है, जिसका मकसद है कि भारत में जाके वो गरीब लोग जिहड़े कि अखां दे अपने सही संभाल नहीं कर सकते क्योंकि गुरबत तो पीड़ित ने, उन्हां दी मदद की जाए। और इस संबंध में अच्छ गलबात करते हैं योगेश भाटिया जी तो कि 22 सितंबर को होने वाले इस प्रोग्राम में तुम भी किवें इसका हिस्सा बन सकते हो। स्वागत है जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सो योगेश जी, फ्रेंड्स फॉर कॉज ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल आप जाते हैं, 2 महीने भारत में लगाते हैं और वहाँ पे जाके आई कैंप्स का आयोजन करते हैं। अब तक का जो सफ़र है ब्रीफली उसको टच कर लें, कैसा चल रहा है? हर साल और लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक काफ़िला बढ़ता जा रहा है, कितने को लोगों की आप तक मदद कर चुके हैं आप? हरप्रीत जी, आज ये इस समय अब ये 9वां साल रहेगा हम लोगों का काम का जी, और ये सफ़र बढ़ता ही जा रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। जो मेरे ब्रदर की फ्यूनरल वाले दिन एक सर्जरी से जो काफ़िला स्टार्ट हुआ और उस साल फिर दोबारा 25 सर्जरीज हुई, वो अब 250 और 300 सर्जरीज पे पहुंच चुकी हैं। वेरी नाइस। 250-300 सर्जरीज देखने में एक छोटा सा लगता है वर्ड के, 300 कुछ नहीं है नंबर, लेकिन ये अपने में एक बहुत बड़ा नंबर है। जब 250-300 सर्जरीज की आप तैयारी करते हैं तो 10,000 लोगों को चेक करते हैं, राइट? तब ये काफ़िला जाहिर सी बात है बढ़ता ही जा रहा है। और मैं इसके लिए यही कहूँगा कि ये भगवान की कृपा है और इंसान के बस की नहीं है। जिस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं जी, जिस तरह से कैंप्स लगते हैं, फंड रेजर होता है, ये शायद भगवान की कोई कृपा है और एक ये टीम वर्क है जिसकी वजह से ये अब काफिला बहुत बड़ा हो गया है और हो सकता आगे और बड़ा हो। लेट अस सी। सो फ्रेंड्स फॉर कॉज ये जो आपका है, कॉज आपका है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी आँखों की देख रेख करनी, उनको मदद करनी, तो ये प्रोसेस कैसे होता है? आप जाते हैं, भारत जाते हैं, उसके बाद आप कुछ गांव जो हैं उनको आप चुनते हैं और वहाँ पे जाके लोगों को लेके फिर आप डॉक्टर्स के सहारे से ये करते हैं, तो ये प्रोसेस कैसे चलता है सारा? हरप्रीत जी, देखिए इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ रही है। मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो कैटरेक्ट है शायद, right. अगर आप उसकी रिसर्च के आंकड़े देखें और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लाइंड्स। तो काम करने का क्षेत्रफल और कर्म भूमि तो बहुत बड़ी है, आप जितना चाहें कर लें, जितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं कर लें इस काम को जी। हम एक खास इलाके में काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी रिसोर्सेज हैं, हमारे वॉलेंटियर्स हैं, हमारे जो लोग हैं जानते हैं, साथ देते हैं। तो अगर आप दिल्ली, आगरा और अलीगढ़ का एक ट्रायंगल बनाएं तो इसमें जो बहुत सारे विलेजेस हैं हम उनको टच करते हैं जी। तो हर बार नए विलेजेस को हम टच करते हैं, लेकिन हमारे कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे कैंप्स लगते हैं हर बार। और नवंबर दिसंबर में चूंकि ये कैंप होते हैं, कई अब सालों से लग रहे हैं, तो लोगों को भी मालूम होता है जी। और एक प्रोसेस हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आ गया है कि हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन तक कैसे पहुंचे, राइट? क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन की डेफिनेशन बहुत क्लियर होना जरूरी है माइंड के अंदर और उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है जी। अब हमारी टारगेट पॉपुलेशन वो है, या तो वो स्लम में रहती है या वो विलेजेस में रहती है। और दूसरी उसके साथ ये है जो नेगेटिव पॉइंट आप कह लीजिए कि उसके पास नॉर्मल कम्युनिकेशंस के कोई भी तरीके पहुंच नहीं सकते हैं, राइट? जैसे कि आप पेपर में अगर ऐड देंगे तो वो पेपर नहीं पढ़ते, टीवी वो देखते नहीं हैं, पैम्पलेट्स वो पढ़ेंगे नहीं, तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं किसी भी तरीके से जी। अब जैसे मानिए एक बुजुर्ग आदमी है जिसके बच्चों ने छोड़ दिया, वो गांव के किसी कोने में रह रहा है और वो आँख से पीड़ित है अपनी, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन शायद ही पहुंचे, राइट? तो हमारी कोशिश ये है कि हम उन जगहों पर पहुंचे। ठीक। तो हम विलेज 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 चुन लेते हैं, उन विलेज में इस तरह से हम अपनी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि हर आदमी को मालूम पड़ जाए और हम खास करके छोटे बच्चों को इसके लिए इनकरेज करते हैं और स्कूल्स में लेक्चर्स देते हैं, खास करके गांव के स्कूल्स में, राइट? और उनके थ्रू हम ये पैम्पलेट्स बंटवाते हैं घर घर, तो हमारी टारगेट पॉपुलेशन को मालूम पड़ जाता है, वो हमारे से कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, राइट? एक बार जब वो हमारे से कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो हम उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनके विलेज में से ही शुरू कर देते हैं और फिर हमारे जो मेगा कैंप्स होते हैं, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको फॉलो करते हुए हॉस्पिटल्स के साथ उसको लगाना, किस तरह से उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, right. उसमें फिर हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते इतना, हॉस्पिटल का काम होता है वो। अब एक फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर ये सर्जरीज होती हैं। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा ये वर्किंग का तरीका है तो हार्ड लेकिन मोर इफेक्टिव है और जिसको हम हेल्प करना चाहते हैं हम उसकी हेल्प कर रहे हैं और इसमें कोई डेटा
को हम बड़ा चढ़ा के नहीं कर रहे, राइट स्पेसिफिक लोगों का हमने करा जो कि बिल्कुल ज़रूरतमंद हैं, गरीब बिल्कुल हैं, और जेन्युइन सर्जरीज हुई उसमें, एब्सोल्युटली तो ये हम लोग इस पे बहुत। पहुंच सके। तो और ये सब संभव है लोगों की सहायता के साथ। और अब 22 सितंबर को जो है आप ये जो डिनर चैरिटेबल डिनर कर रहे हैं उसके मतलब हमें बताइए कहाँ हो रहा है और इसमें क्या क्या होगा, कितने बजे शुरू होगा और क्यों आप निमंत्रण देते हैं हमारे सारे दर्शकों के बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। बहुत अच्छी बात हरप्रीत जी। ये देखिए, ये एक तरह से हमारे हमारी फैमिली के से स्टार्ट हुआ। कॉज उसका ज़रूर एक बड़ी ट्रेजेडी थी, मेरे छोटे भाई की डेथ, लेकिन हम लोगों की फैमिली सब लोग इन्वॉल्व हो गए। जी अब जब सब इन्वॉल्व हो गए, ये काम करना शुरू करा, तो मेरे दोस्तों ने आकर, मैंने किसी से सपोर्ट। मांगे नहीं, उन्होंने आके सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एक टीम वर्क स्टार्ट हो गया। फिर एक मेरे दोस्त ने 4 साल पहले एक चैरिटी डिनर ऑर्गेनाइज कर दिया, फॉर अगर नहीं तुम्हारे काम के लिए चैरिटी डिनर। अब वो चैरिटी डिनर भी इतना बड़ा हो गया। तो हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है जी कि हम लोगों को सबको बुलाते हैं, हम अपने कॉज के बारे में बताते हैं, ठीक और ये हम लोगों ने अपने दिल में एक बना रखा है कि हमने मांगने नहीं है पैसे किसी से। जो देगा उसको ग्रहण करने हैं, ठीक चाहे $1 किसी का, चाहे $1,000, वो उस काम पर लगना है। और इसी बस जो एक मन में जो भावना आई है कि नॉट बैगिंग राइट बट एक्सेप्टिंग विद दी फोल्डेड हैंड, चाहे वो $1 है चाहे $1,000 है, उनको इक्विवेलेंट समझना। इस राइट इंटेंशन के साथ ये चैरिटी डिनर होता है। तो अब चैरिटी डिनर की जो कॉस्ट है उसमें आपको खाना भी मिल जाता है, और इस बार इतना बढ़िया इंडियन कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों ने ऑर्गेनाइज करा है, तो आपकी तो जो कॉस्ट है, आप $35 की टिकट और बच्चों के लिए $20 की, राइट तो वो तो आप बाहर भी खाना खाने जाएंगे, इतना स्पेंड करेंगे, राइट लेकिन इस लेकिन नेक ये सारा पैसा जो है उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि चैरिटी डिनर हैज राइट बीन ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड बाय वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। तो वंडरफुल। सो राइट कितने बजे शुरू हो जाएगा और कहाँ होगा और आपका संपर्क नंबर जहाँ पे आपसे संपर्क किया जा सकता है। ये 22 सितंबर 2018 को जी खन्ना बैंक्वेट हॉल, जो काफी बड़ा है, पटेलो ब्रिज के पास है, जी और ये 6 बजे कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, ठीक और उन प्रोग्राम्स में हम बहुत वीडियोस वगैरह भी दिखाएंगे जो हमारे वर्किंग हैं, जी और इसके अलावा खूब बढ़िया इंडियन वेजिटेरियन भोजन है। और आपका फ़ोन नंबर। मेरा फ़ोन नंबर 604-366-6942। मैं एक बार वंडरफुल फिर रिपीट कर देता हूँ, जी 604-366-6942। और आप लोग योगेश भाटिया के नाम से फेसबुक पे सब कुछ देख सकते हैं, ठीक और friendsforcause.org भी अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर भी सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है सो सारी इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल। बढ़िया जी बहुत बढ़िया। हर साल ये काफ़िला बढ़ रहा है और मुबारकबाद आपको और वो लोग जो सहायता देते हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि नेक काम में आगे आके जो भी अच्छा इनिशिएटिव वो हमेशा ही हम कहते हैं कि हमें जुड़ना चाहिए। हमें पूरी आस है कि इस बार भी आप बहुत कामयाब होंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।